Good morning students. Welcome to the CR International School Online Study System. In the previous assignment, we have discussed the forms of business organization and the topic is joint Hindu family business. Now, in this assignment, we will discuss the feature and the merits of joint Hindu family business. First of all, let us discuss the feature of joint Hindu family business. Number one. ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लो देखिए जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस काम करती है वो पूरी की पूरी हिंदू लो हिंदू कानून के अनुसार काम करती है जो भी उसके मेंबर्स या करता होता है उसके जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज होती है वो सभी की सभी हिंदू लो के अकॉर्डिंग काम करती हैं ठीक है सेकेंड देखिए मैनेजमेंट बाय करता जो करता जो एल्डेस्ट मेम्बर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का उसे हम करता मुखिया या बिजनेस की भाषा में मैनेजर भी कह सकते हैं और वही पूरे बिजनेस को मैनेज भी करता है द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव अ राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस जो बाकी मेंबर सदस्य होते हैं वो इंटरफेयर दखल अंदाजी नहीं कर सकते बिजनेस में एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स अ प्रायल अप्रूवल ऑफ द करता कोई भी बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कर्ता की अप्रूवल हमें लेनी पड़ती है थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी देखिए पहले ही बताया जा चुका है जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो होती है मेंबर्स की जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स की लेकिन जो करता होता है उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है यानी कि अगर लॉस की सिचुएशन अरराइज होती है तो जो करता होता है उसे अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी में से उस रिस्पांसिबिलिटी को उस ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना पड़ता है है तो ये थी आपका थर्ड पॉइंट लिमिटेड लाइबिलिटी फोर्थ है परमानेंट एग्जिस्टेंस या इसे हम कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं निरंतरता जो ज्वाइंट जो हिंदू फैमिली बिजनेस है वो लगातार निरंतर चलता ही रहेगा ठीक है किसी की डेथ का किसी के इंसोल्वेंसी अगर दिवालिया निकला है या किसी की ल्यूनेसी यानी कि बड़ी बीमारी का बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये कंटिन्यू परमानेंट चलता ही रहेगा फिफ्थ पॉइंट देखिए मेंबरशिप बाय बर्थ एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक चाइल्ड को जन्म लेते ही उसे मेंबरशिप मिल जाते वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है एज सुन एज हीस बर्थ ही ए मेंबर ऑफ द बिजनेस तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस का मेंबर बन जाता है सिक्स देखिए ओनली मेल मेंबर्स जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है वहां केवल पुरुषों को ही जगह मिलती है मेंबर्स को ही मेल मेंबर्स को ही जगह मिलती है फीमेल को वहां जगह नहीं मिलती लेकिन अब इसमें भी देखिए बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार देखिए ए वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड अगर किसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो औरत वो वुमेन, वो वुमेन उसकी मेंबर बन सकती है ठीक है इन द अपसेंस ऑफ मेल सक्सेसर देखिए एक पति है एक पत्नी है, है, है उनका कोई मेल सक्सेसर मेल पुत्र नहीं है तो ऐसी दशा में अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वो पत्नी ही जो होती है कोपासनर यानी कि उसे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाते। मैंने बताया था आपको ओनरशिप ट्रांसफर होना सेवेंथ है रजिस्ट्रेशन तो हमें जरूरत नहीं होती इज नो नीड टू कंप्लीट द एनी लीगल फॉर्मेलिटी तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है और हिंदू लॉ में जो लिखा गया है वही प्रोविजन इस पर अप्लाई होते हैं तो इन्हें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती अब देखिए मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली में देखिए सबसे पहला इजी स्टार्ट तो हिंदू फैमिली क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती तो इसे स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है नेक्स्ट है सीक्रेसी सीक्रेसी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को गुप्त रखना उसका लीक न होने देना तो आप सोचिए जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सभी फैमिली के मेंबर्स है और कंपनी के प्रॉफिट में यानी कि फैमिली के प्रॉफिट में सभी मेंबर्स का फायदा होगा तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे उसे secret, उसे सीक्रेट गुप्त बनाए रखेंगे ठीक है क्योंकि सारे के सारे जो पावर है वो कर्ता के पास होती है सारे डिजिजन कर्ता के पास होते हैं और सभी इंफॉर्मेशन कर्ता के पास से होकर गुजरती है तो कर्ता उसे इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देता नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हीस कस्टमर तो जो कर्ता होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का वो अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है सो देर फोर ही द लाइकिंग ऑफ द कस्टमर कस्टमर्स को क्या पसंद है उनका एटीट्यूड कैसा है किस फैशन को वो पसंद करते हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन करता को होते हैं जिससे कि उसे प्लानिंग करने में काफी सहायता मिलती है और फोर्थ है प्रॉम्प्ट डिसीजन प्रॉम्प्ट मतलब करेक्ट राइट right, सटीक डिसीजन तो जो एक करता होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में वो एकदम सटीक डिसीजन लेता है ठीक है

the bell icon on the YouTube app and never miss another update.